तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू अनदर अदर वीडियो मैं हूँ एजी और आप देख रहे हैं फॉर एवर आज का ये केक डिज़ाइन कार्टून से रिलेटेड होने वाला है हमारे पास ढेर सारी लिस्ट होती है कार्टून की जो हमें बचपन में पसंद होते हैं जैसे कि टोम जेरी हो गया डोरेमोन ड्रैगन डेल बॉब द बिल्डर बेबी ल्यूनिट्यून वैंटन एंड पोकीमोन यानी कि हमारे पिकाचू तो आज का ये कार्टून क्रैक्टर के एक डिज़ाइन हम लोग बनाने वाले हैं पिकाचू का जो कि बहुत ही इजी वे में ए टू जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाया है सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चॉकलेट ले लिए चॉकलेट का कलर मैटर नहीं करता किसी भी कलर की आप चॉकलेट ले सकते हो मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने यही वाली यूज़ कर ली है तो इसको मैंने ओवन में रख के कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया था यानी कि थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लिया था एंड नीचे इसके मैंने पेपर रखा है जो कि मैंने इस तरह से थोड़ा सा लीफ शेप में कटिंग किया है उसको एंड इसके ऊपर पूरी जो चॉकलेट है उसको स्प्रेड कर दिया एंड बाद में मैंने इसको अपने जो स्पैचुला है उसकी हेल्प से भी थोड़ा सा इसको नीट कर दिया है ये चॉकलेट कवर करने का एक इसका बहुत ही बेसिक पर्पस है जो कि आपको आगे जा पता चलने वाला है तो ये वाला स्टेप तो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अब चलते हैं जी अपनी क्रीमिंग की तरफ जिसके लिए हम लोगों ने ये येलो कलर की क्रीम बना ली है इसके अलावा ब्लैक कलर की एंड रेड कलर की ये तमाम क्रीम जो है हम लोगों ने बनाकर रेडी कर, कर लिया है इसके अलावा हमें वाइट कलर की क्रीम भी चाहिए कुछ तो इसको हम लोगों ने सेपरेट से निकाल लिया था तो यहाँ पे ये हम वन पाउंड का केक रेडी करने वाले हैं ये पाइनएपल केक का ऑर्डर हमें आया था तो इसको हम लोगों ने फिनिशिंग कर लिया है फिनिशिंग नहीं किया बेसिकली इसको हम लोगों ने क्रम कोड कर लिया है क्योंकि इसके ऊपर हम पूरी फिलिंग करने वाले हैं क्रीम के साथ ही तो इसलिए हम लोगों ने इसको फिनिशिंग लुक नहीं देनी जस्ट तो हम लोगों ने इसको क्रम कोड करके ही फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है तो जैसा कि आप देख सकते हो कि, कि कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया था एंड बहुत ही ईजिली जो है ये निकल कर बाहर आ गई हमारी चॉकलेट एंड इसको अब हम लोग लगाने वाले हैं अपने केक के ऊपर वाली साइड पर. पर, पर. पर कुछ इस तरह से हम लोग इसको लगा देंगे एक इस साइड पर एंड जो सेकेंड है वो लेफ्ट साइड पर दोनों राइट एंड लेफ़्ट साइड पर कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको लगा दिया है एंड अब हम इस तरह की एक नोज़ल चाहिए क्योंकि इस हम लोग आइस बनाने वाले हैं पूरा पैटर्न हम लोग ड्रा कर लेते हैं जो कि मैं नॉर्मली आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कोई हम लोग क्रैक्टर वाला केक बना रहे हैं तो उसके लिए पहले हम लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन ले लेनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से बनाने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसकी आइस एंड चिक्स बनाने के लिए हम लोगों ने राउंड नोजल का यूज़ किया है एंड नीचे इसकी ज़ुबान बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे वुडन स्टिक का यूज़ कर रहे हैं एंड इसमें जो नोज़ल हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंपल हम लोगों ने स्टार नोजल ही यूज़ की है तमाम जगह पर जितनी भी नोजल से हम लोग काम करने वाले हैं तमाम की तमाम जो हैं वो स्टार नोजल ही हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी ज़ुबान से तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार नोजल के मदद से आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से स्टार बनाते हुए ये पूरी जो ज़ुबान की फीलिंग है इस तरह से हम लोगों ने कर लेनी है और आप देखेंगे कि कितना ही ज़्यादा ईज़ी हो गया जब हम लोगों ने इसकी एक गाइडलाइन ले ली है कि हम लोगों को किस तरह से हम लोगों ने इसको बनाना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है तो ये जो रेड कलर की हैं यहाँ पे हम लोग कुछ चिक्स बनाने वाले हैं तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये राउंड नोज़ल का यूज़ किया था एंड अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने ड्रा किया था उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके अंदर फिलिंग करते जा रहे हैं यहाँ पे आइस बनाने के लिए हम लोगों ने पाइपिंग बैग का यूज़ किया है एंड ब्लैक कलर की क्रीम्स के अंदर फिल कर लिया हमने इसके अंदर कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं की सिंपल जस्ट पाइपिंग बैग ही है एंड इसको आगे uh, वाली जो उसकी फ्रंट वाली साइड है वहाँ से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कटिंग कर लिया था तो अभी तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ अजीब सी की लग रही होगी ये आ, लेकिन ये बनने के बाद देखिएगा बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है यहाँ पे एक बार मैं खुद भी डर गई थी कि ये कौन सी चीज़ मैं बना रही हूँ लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंट रखना है एंड जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ये बहुत ही अच्छा लगता जाएगा तो ये ऊपर वाली साइड पर भी हम लोगों ने ब्लैक कलर की क्रीम जो है उसको फिल कर दिया है हाफ हाफ साइड पर एंड अब यहाँ पर हम लोग लो स्टार्टज का यूज़ कर रहे हैं एंड इसको हम लोग फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने एक गाइडलाइन ले ली थी एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर इसको फिल कर रहे हैं इस तरह के करैक्टर वाले केक देखने में तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे होते हैं लेकिन जब इसको बनाना स्टार्ट तो फिर ये लगता है कि हाँ हम बना पाएंगे तो जब भी हमारे पास ऑर्डर आया तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा हमें लगा कि शायद ये नहीं बन पाएगा आ, लेकिन जब हम लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट किया तो ये बहुत ही अच्छा बनकर आया था एंड ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था कस्टमर ने हमें पिक्चर दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इसको बनाया है ये पीकाचू वाला केक जिसने बनवाया है वो हमारे नेबर ही हैं एंड उन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट पहले भी दो तीन बार केक बनवाया है तो उनको मेरे हाथ का केक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि उनको ये वाला केक चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने फिर इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बनाना स्टार्ट किया आई थिंक यहाँ पे किसी बच्चे की बर्थडे थी जिसके लिए उन्होंने ये बनवाया था तो यहाँ पे अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टार नोजल का ही एंड येलो कलर की क्रीम हम लोगों ने बनाकर रेडी की थी एंड उसको पाइपिंग आप के अंदर फ़िल कर लिया था देन uh, आप देख सकते हो कि बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बनाते जा रहे हैं पहले हम लोगों ने uh, इसकी जो ब्लैक हम लोगों ने राउंड इसको फ़िल किया था उसी के अंदर हम लोगों ने पहले ये येलो वाली क्रीम फिल किया ताकि जो हमारी क्रीम है वो इक्वली स्प्रेड हो तमाम जगह uh, ताकि बहुत ही सीक्वेंस से बहुत ही इक्वली ये जो हम क्रीम अप्लाई कर रहे हैं अप्लाई हो तो अगर आप लोग भी पैटर्न को फॉलो करते ही बनाओगे तो यकीन बहुत ही अच्छा बना पाओगे आप लोग भी सो so, इसी तरह से हम लोगों ने पूरा जो है इसकी फ़िलिंग कर लेनी है इसी तरह से स्टार स्टार्स बनाते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बहुत ही ईज़ी है बस इसको थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने कि इसको किस तरह से बनाना है पैटर्न को किस तरह से फॉलो करना है इसके अलावा ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी ज्यादा इस तरह की करैक्टर केक वाली वीडियोस अपलोडेड हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूजर हैं तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं साथ ही साथ जो इसकी पिक्चर्स होती हैं वो भी मैं अपलोड करती रहती हूँ वहाँ पर अभी तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी इंस्टा फैमिली बहुत ही ज़्यादा कम है आप लोग जल्दी से जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा फिर इन नेक्स्ट जो मेरे प्लान हैं वो काफ़ी मज़े मज़े के हैं हम लोग हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे इन तो जल्दी जल्दी वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा ज़रूर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं जी तो वापस आते हैं बैक अपने टॉपिक की तरफ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर की क्रीम यूज़ कर रहे हैं इसकी लाइनिंग के लिए एंड एंड इसकी नोज़ के लिए नोज़ के लिए पहले हम लोगों ने क्रीम से इसको बना दिया था लेकिन फिर हम लोगों को वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी क्रीम के साथ फिर हम लोगों ने इसको रिमूव किया एंड इसके ऊपर हम लोगों ने फाउंडेंट की नोज़ बनाकर उसको लगाया था तो उसके बाद राउंड के ब्लैक आइज़ के अंदर देख सकते हो कि हम लोगों ने ये भी फाउंडेंट का ही लगाया है वाइट वाइट कलर का क्योंकि अगर ये क्रीम से लगाते तो वो फैल जाता और इतना अच्छा ना लगता तो नोज़ एंड ये जो हम लोगों ने सेंटर के अंदर वाइट पार्ट लगाया आइस के अंदर दोनों ही हम लोगों ने फाउंडेंट से बनाकर लगाए हैं तो इस तरह की जो कुछ चे, चेंजिंग्स होती है, ये हैं ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग करते रहते हैं एंड तभी हमारा जो केक है वो परफेक्ट बन पाता है एंड आप देख सकते हैं कि हमारा केक यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है जी तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर